वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको टर्बो फिटिंग के बारे में। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हाफ टर्बो फिटिंग हम लोग कर रहे हैं, जो फुल टर्बो इसका नहीं खुला हुआ है। ये हाफ टर्बो देख सकते हैं कि हाफ टर्बो में कुछ इस तरह से आएगा। ये देख सकते हैं पंखा दिख रहा होगा दोनों साइड में, जो टर्बो में पंखड़ी आती है, तो ये असेंबल भी मिलता है। तो इसलिए हाफ टर्बो हम लोग फिटिंग करने हैं, उसको बताऊँगा आपको कैसे फिटिंग करना है। तो देख सकते हैं, ये हो गया हमारा एलुमिनियम। ये जो एलुमिनियम का हाउजिंग है और ये लोखन का हाउजिंग आता है, यानी वीड का, तो ये इन दोनों में अलग अलग काम करती है। तो एलुमिनियम हाउजिंग में जो हमारा हवा जो होता है, यानी प्रेशर, उस तरह से काम करती है इसमें, जो हमारा इंटरकूलर से पाइप आता है इसमें, तो इंटरकूलर को ताकत भी देता है। और ये जो हमारा लोखन का रहता है, जो इसके अंदर पता है आपको, धुआँ का काम करता है। ये जो टर्बो का काम है धुआँ को कम करना। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करना है। लॉक को पहले डाल देना है, लॉक को पहले, बड़ा लॉक आता है इसके अंदर, तो लॉक को पहले डाल कर रखना है उसमें, ताकि बाद में आपको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ये जो हमारा लोखन का जो बॉडी है इसका, इसमें हमने बैठा दिया इसको, इसके अंदर दो पट्टी आएंगी और 4-13 नंबर की बोल्ट आएंगी। इस बोल्ट में टाइट होगा तो इसके लिए ऊपर से लॉक डालने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले लॉक डाल लिया। और इसमें 4-13 नंबर का बोल्ट है। जो पट्टी किस लिए दिया हो फ्रेंड, ये हमारे टर्बो को रोक के रखेगा ताकि बाहर ना निकले। और आपको पता है कि गाड़ी का जान जो होता है, हमारी गाड़ियों का जान क्या होता है, टर्बो। अगर टर्बो फेल हो गया अपने आप पे आ गया, तो पूरा आयल भी खाली कर सकता है चैम्बर से, और हमारे गाड़ियों में ताकत भी कम हो जाता है। और दूसरी बात यह कि टर्बो अगर जाम हो गया फ्रेंड, तो गाड़ियाँ भी दबने लगती है। टर्बो जाम होने का कारण क्या होता है फ्रेंड, सापट टूट जाता है तो जाम हो जाता है, तो उस तरह से इसमें तकलीफ़ आता है टर्बो में। कभी भी आपकी गाड़ी अगर दबती है, तो टर्बो पाइप भी खोल के आप चेक कर सकती है, ताकि हवा ऊपर आ रहा है कि नहीं। जो हमारा इंटरकूलर से पाइप जो आता है टर्बो में जो लगता है, तो गाड़ी आपकी कभी कभी दबती है, तो उसको भी आपको चेक करना है, ताकि उस पर हाथ रख के कि भाई हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग कभी कभार चेक करते हैं टर्बो को, हाथ रख के या पेपर रख के चेक करते हैं उसके ऊपर, जो इंटरकूलर से पाइप आता है उसके ऊपर चेक करते हैं हम लोग, टर्बो पे जो पाइप लगता है इंटरकूलर से, कि हम लोग का आयल उठाया है कि नहीं, तो उसको भी चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह चेक करना है आपको, क्योंकि टर्बो से भी तकलीफ़ आता है, बहुत गाड़ियों में हमारे सामने मिला है तकलीफ, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कभी गाड़ी आपका दबता है, तो उसमें आपको ये भी चेक कर लेना है कि इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और हुआ है हमारे साथ, तो मैंने आपको बताया। ये टर्बो जाम होने के बाद गाड़ियाँ दबने लगती है, पंप नोजल क्लच का काम करते हैं, फिर भी गाड़ियाँ अपना सुधरती नहीं है, तो एक बार ध्यान इस पर भी देना है। तो ये देख सकते हैं, ये पट्टी लगा रहे हैं हम लोग, ये पट्टी ज़रूरी है, क्योंकि टर्बो अलग ना हो। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ऑल पे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और कमेंट में बताएं हमें ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं टर्बो। अब ये टर्बो का क्या है फ्रेंड, धुआं को भी काटता है और दूसरा हमारे ताकत के लिए भी देता है। पहले आपने 22-13-12-10 गाड़ियों में देखा होगा कि इसमें टर्बो नहीं देता था और आवाज़ किस तरह से करता था। तो ये क्या है कि मैनिपुल से जो हमारा आवाज़ आता है उसको कम करता है और धुएं को भी कम करता है। जो आवाज़ काफ़ी पहले आता था, आपको देखा होगा, आपने सुना भी होगा, 22-13-12-10-16-12 ऐसे गाड़ियों में आवाज़ बहुत देती थी, तो इसमें कम कर दिया ये टर्बो से, और टर्बो से बहुत ताकत भी बढ़ा दिया गाड़ियों में। अब ये देख सकते हैं, ये पंखा इस तरह फ्री घूम रहा है। तो अब ये लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलुमिनियम बॉडी को ले लेंगे। अभी एलुमिनियम बॉडी को कुछ इस तरह से रख के बैठाएंगे। अब लॉक रह गया इसमें, लॉक बैठाना। तो ये लॉक बहुत बड़ा आता है फ्रेंड, ध्यान से इसको बैठाना पड़ता है। अब ये देख सकते हैं कि सेंटर में इसको रखना पड़ता है। जो हमारा आयल पाइप आता है, जो हमारा फिल्टर बॉडी, जो आयल फिल्टर बॉडी होता है, उसके ऊपर से पाइप जो आता है, तो उसमें से जो पाइप आता है इसके ऊपर लगता है, तो उसको सेंटर में रखना पड़ता है, ताकि हमारा इधर उधर ना हो। तो देख सकते हैं किस सेंटर में रखा गया है। अगर आपके पास ऐसा है, लग रहा है, तो निशान भी लगा देना है, ताकि हमारा इंटरकूलर से जो पाइप आता है वो दिक्कत ना हो बैठाने में। तो इस तरीके से टर्बो का ये फिटिंग है, हाफ टर्बो फिटिंग आप भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। और पूरा टर्बो फिटिंग का मतलब ये हुआ कि पूरा उसको बिखेरना पड़ता है। जो हाफ टर्बो मैंने बताया कि ये असेंबल आता है उसमें, तो उसमें छोटे छोटे किट आती हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें चेंज हम लोग नहीं किया है, ओनली हाफ टर्बो
मंगा कर डाला इसमें। तो इस तरीके से आप टर्बो को बना सकते हैं हाफ टर्बो, कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो ये जगह टर्बो वेरिएंट आप लोगों को पता है कि टर्बो में चाल हो जाए, तकलीफ़ हो जाए तो कितना सारा ऑयल का नुकसान करता है और पूरा चैम्बर ऑयल का ख़त्म कर देता है, चैम्बर ख़त्म कर देता है, पूरा साइलेंसर द्वारा भेज देता है पूरा ऑयल को। तो ये रहा टर्बो फिटिंग का फ्रेंड। अब देख सकते हैं ये हो गया है कम्प्लीटली। अब ये पाइप देख सकते हैं, ये पाइप यहाँ पे लगाना पड़ता है, ये सिलेंडर का काम करता है, जो ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है ये। तो ये देख सकते हैं ये टर्बो हो गया कम्प्लीट। अब इसके ऊपर सॉकेट को भी टाइट कर लेते हैं। अब इसको देख सकते हैं कि इसमें चाल नॉर्मल चाल होना चाहिए, यानी नॉर्मल चाल जो महसूस हो सके कि हाँ चाल है इसमें। दोनों तरह से टर्बो, ये फ्रेंड टर्बो गाड़ी के लिए हमारा बहुत अहम चीज़ होता है, ताकत से लेकर हर चीज़ में काम आता है टर्बो। आप लोग ये देख सकते हैं ऑयल पाइप जो हमारा आता है ऑयल फिल्टर के ऊपर से, तो इसमें पाइप लगता है फ्रेंड। अब ये देख सकते हैं ये भी कंप्लीट। और फ्रेंड एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूँगा कि कभी अगर गाड़ियाँ आपकी लग रहा है कि हाँ हमारा साइलेंसर से धुआँ ज़्यादा सफ़ेद धुआँ आ रहा है, यानी वाइट स्मूथ दे रहा है, तो एक चीज़ को ख्याल रहे कि टर्बो पाइप खोल कर आपको देख लेना है। इंटरकूलर से जो हमारा पाइप आता है टर्बो पे लगता है, उसको खोल कर देख लेना है कि उसमें अगर ऑयल आया हुआ है तो समझ लीजिए इसमें तकलीफ़ है टर्बो में। अब ये देख सकते हैं ये टर्बो हो गया कम्प्लीट। ये घुमा कर देख लेता हूँ, ये फ्री घूम रहा है, अच्छा काम कर रहा है ये, तो इसके अंदर ये फ्री होना चाहिए। और ये देख सकते हैं ये पूरा टर्बो हमारा कम्प्लीटली सही है। तो इस तरह से आप हाफ टर्बो कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने बताया कि गाड़ियाँ आपकी कभी दबती है तो इस पर भी ध्यान देना है आपको, अगर ध्यान देते हैं तो आपको फोल्ड मिल जाएगा कहाँ से क्या फोल्ड है। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो आपको लेकर आता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से आप लोग को कुछ सीख मिले, सीखने को मिले। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द आप लोग के लिए, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मिलूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल फ्रेंड।